गाइस टू माय YouTube चैनल, आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो जी आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पहली बड़ी अपडेट की हम बात करने वाले हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं भी हम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे अपनी सिटी के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे जी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड है उसके बारे में बात करेंगे जी, और क्या क्वारंटीन का इनका खर्चा है और सारा क्वारंटीन का प्लान रखा है इन्होंने, उसकी बात करेंगे वीडियो के अंदर। दूसरी बात करेंगे जी एनएसडब्ल्यू की, जहां पे कोविड के केस ट्रिपल डिजिट तक बढ़ चुके हैं जी और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब एनएसडब्ल्यू अब क्या करेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा उनका। उधर स्कॉट मॉरिसन ने कह दिया भाई अब हमने बॉर्डर खोलने की तरफ ध्यान देना है और इधर बॉर्डर बंद होते जा रहे हैं। सो अब क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। अगली बात करेंगे जी, इंडियन हाई कमिश्नर मनप्रीत वोरा ने डाइकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात किया जी स्टूडेंट्स के ट्रेवल को लेकर। उसके बारे में बात करेंगे जी, क्या बात की है। ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स ने ये बात हल्की हल्की क्लियर करनी शुरू कर दिया भाई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेवल अब कब शुरू होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और कुछ डाउट्स के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। सो आप वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें, स्किप मत करें ताकि आपको पूरी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लग रही थी जी, अभी भी लग रही है, बट उससे जी एक लेडी की हो गई है डेथ। दूसरी डोज लगवाने के बाद, हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसकी हो गया जी डेथ। अब वहां पे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का कहर दबके है जी। अब लोग लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक ऐसी कोई बात ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं की कि वो कौन सी वैक्सीन वाले बंदों को ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने देगा। अभी वहां पे एस्ट्राजेनेका भी है, अभी वहां पे फाइजर भी है, मोडरेना भी वहां पे अप्रूव हो गई है, नोवावैक्स भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि सभी कंट्रीज कर रही हैं कि जो वैक्सीन उनमें लग रही हैं वही वैक्सीन वाले बंदे ही वो अपनी कंट्री में अलाउ करेगा। सो कोविशील्ड वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, वो उनको भी अलाउ करेगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन भी कोविशील्ड वैक्सीन ही है। सो जी अब बात आती है जी, कैनबरा अलाउ करेगा जी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ट्रेवल करना कैनबरा के अंदर 14 दिन के क्वारंटीन के बाद। ये स्टूडेंट भी होंगे और लॉन्ग टर्म विजिटर वीजा वाले भी होंगे, क्योंकि उनका कहना भी हमारी 26.1 बिलियन की इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंड करती है, सो हम इनको बुलाएंगे। तो जी अब जो आर्टिकल आया उसके अंदर एक बात आया मेरे को बड़ी अजीब लगी है, उसमें लिखा हुआ भी ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर अंटिल नेक्स्ट ईयर तक बंद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट ईयर समझते हैं आप, 2022 तक, मिड भी नहीं, पहले तो मिड चल रहा था, अब तो ये जो कैनबरा से आर्टिकल आया आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, अंटिल नेक्स्ट ईयर तक ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स बंद रखेगा, पर वो स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा और लॉन्ग टर्म विजिटर वीजा वालों को अलाउ करेगा ट्रेवल करना। उनका कहना भी हम अपने ऑस्ट्रेलियंस को ही वापस लेके आए हैं और सेम 14 दिन के क्वारंटीन करा के हम स्टूडेंट्स को भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल करा सकते हैं ताकि वो ऑन कैंपस आके स्टडी कर सके। सो जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, इनका कहना भी हम 350 स्टूडेंट्स को जुलाई के अंदर अपना ट्रेवल करवा के लेके आएंगे, जो कि अब चल रहा है और अभी तक वहां से कोई अपडेट नहीं आ रही भाई जुलाई में ट्रेवल कब शुरू होगा। ट्रेवल करवा के लेके आएंगे और उनको 14 दिन का क्वारंटीन कराएंगे। और अब क्वारंटीन कराना था जी सिडनी के अंदर, 112 केस आ गए, 29 केस कम्युनिटी के अंदर मिले हैं जी, हड़कंप मचा हुआ है सिडनी के अंदर। ग्लैडी ने कह दिया भी सिनेरियो और वर्स हो जाएगा, पहले तो जी 2 डिजिट केस आ रहे थे, अब 3 डिजिट केस आ गया जी, 112 केस आ गया, बहुत बड़ी बात होती है जी 112 केस, बहुत टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए हैं। तो यूनिवर्सिटीज ने अभी ये नहीं बताया भी कौन कौन सी कंट्री से स्टूडेंट आएंगे, बट उन्होंने बोला भी वाइड वराइटीज ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारी कंट्री से स्टूडेंट आएंगे और रीजनल कैंपस के ऊपर इनका क्वारंटीन वहां पे करवाएंगे और वहां पे लैंड करवाएंगे। जो इनके ट्रेड मिनिस्टर हैं दैनते हां, सिंगापुर, जापान, यूएसए, कोरिया में गए हैं अपने ट्रेड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उन्होंने बोला भाई इस साल के एंड तक हम सिंगापुर के साथ अपना ट्रेवल शुरू कर देंगे। तो जी जो उस लेडी की डेथ हुई है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा के, ब्लड क्लॉट बनने के कारण ही हुई है जी। इंडिया के अंदर भी बहुत केस है जिनके ब्लड क्लॉट बने हैं, पर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए वो केसेस बहुत कम है। मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 8,000 या 10,000 केस होंगे ब्लड क्लॉट के, पर उनकी पॉपुलेशन ही 2.5-3 करोड़ है और उनके अगर एक भी ब्लड क्लॉट का केस आता है तो वो सबको पता लग जाता है मिनट से पहले। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लड क्लॉट की डेथ और हो गई है, एक लेडी की डेथ हो गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टार्टिंग हुआ था 24 केस से, 77 केसेज आए एनएसडब्ल्यू में, अब एनएसडब्ल्यू में और अब आ गया 112 केस। डेल्टा वेरिएंट भी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी है और सब कुछ है, और ग्लैडी कह रही है भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीन किसको लगाएं। स्कॉट मॉरिसन ने बोला भी 3 लाख डोसेज हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे फाइजर की,
बट इनके पास खुद की तो प्रोटेक्शन है ही नहीं। कब इनकी जर्मनी से वो डोसेस आएंगी और कब ये NSW को अवेलेबल करवाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और अब इन्होंने जो बोला था पहले कि हम अब तक एक डोज लगा देंगे, और अब इन्होंने वो 3 महीने और शिफ्ट कर दिया आगे भी। अब हम दिसंबर तक अपने सिटीजन्स को एटलीस्ट एक डोज दे चुके होंगे वैक्सीन की। तो जी, और कुछ पूछ रहे थे भी इंडिया अभी भी रेड लिस्ट कंट्री के अंदर है। जी हाँ, इंडिया अभी भी रेड लिस्ट कंट्री के अंदर है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, ये अभी भी रेड लिस्ट कंट्री के अंदर है जी। सभी कंट्रीज का अपना अपना रेड लिस्ट सिस्टम है जी। यूके का अलग ट्रैफिक सिस्टम है जी, कनाडा का अलग है जी, ऑस्ट्रेलिया का अलग है जी, यूएसए का अलग है जी। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये इकट्ठी इन्होंने एक दूसरे को डाला हुआ है ग्रीन जोन में। और अभी इंडिया में केसेस हैं लाइक 41,000 केसेस अभी भी डेली आ रहे हैं, तो इंडिया को इस हिसाब से इन्होंने रेड लिस्ट कंट्री के अंदर कंसीडर किया हुआ है। तो जी नए स्टूडेंट्स, आपको रिक्वेस्ट है एडमिशन अप्लाई मत करो। हालात देखो और ज्यादा खराब हो गए हैं सिडनी के, जो सिडनी ट्रेवल करना था जिसने, हालात और ज्यादा खराब हो गया। और अगर आप कहते हैं भाई विक्टोरिया के तो ठीक है, और आप ये भी कंसीडर करो कि स्कॉट मॉरिसन की वो भी बात है कि जब उसने बोला था भाई अगर इंटरस्टेट ट्रैवलिंग पूरी खुल जाएगी तब उसके बाद हम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, तो जी इनकी बात के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आप डूबने वाले काम करोगे। आप अपने दिमाग से बात को सोचे कि क्या ये राइट टाइम है ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने का। आप अपने आसपास देखें जिन जो और स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, खुशी खुशी अगलों ने वीजे अप्लाई करे थे, सभी यही फंसे हुए हैं। जो हमें लग रहा था भी इस साल ट्रैवल शुरू होगा, अब सिडनी के अंदर 112 केस और आ गया। वैक्सीन उनके पास है नहीं, अपनी प्रोडक्शन जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की थी वो वैसे बंद की हुई है और वो ब्लड क्लॉट बना रही है। सो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं अभी क्या ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है इस साल। सबसे बढ़िया तो रह गया जी यूके, 19 जुलाई से खोल देगा जी सारी पाबंदियां, जितने मर्जी बंदे जाओ जहां मर्जी घूमो, मास्क खोल के घूमो। रिसेंट इंटरव्यू हुआ है बोरिस जॉनसन का, उन्होंने भी मास्क उतार के और दूसरे को भी बोला भाई मास्क उतार के इंटरव्यू दे। सो ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बात है कि एक कंट्री तो जिस जो डेवलपिंग कंट्री है बहुत ज्यादा आगे जा रही है, और अब तो है जी वैक्सीन लगाने के चक्कर में इनकी रेस ऐसी लग चुकी है। अभी अब ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, ऑस्ट्रेलिया भी दाड़ यूरोप को मेल भेज रहा है भी हमें वैक्सीन प्रोवाइड करवाएं, और अभी तक वहां की उनकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि यूरोप पहले अपना हिस्सा भी तो रखेगा बीच में। सो 3 लाख वैक्सीन प्रोवाइड करवानी है अगस्त सितंबर के अंदर, और वैसी 3 लाख वैक्सीन जानी है सिडनी के अंदर NSW के अंदर, जो स्कॉट मॉरिसन ऑलरेडी प्रोमिस कर चुके हैं प्रीमियर ग्लैडी को। सो जी सिर्फ एक ही रास्ता है ट्रैवल शुरू होने का, या तो अपनी कंट्री में केस कम हो जाए, सो या तो दूसरी कंट्री वाले वैक्सीन पासपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है कनाडा भी तो एक्सेप्ट कर रहा है उनको, बेशक वो किसी दूसरी कंट्री से घूम के जा रहे हैं पर एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, 1.5 लाख की टिकट भरने के लिए भी तैयार हैं। तो एटलीस्ट एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर ध्यान दे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रह सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और मे बी हर एक वीजा होल्डर के लिए, जो पीआर वाले यहाँ फंसे हुए हैं, जो सिटीजन फंसे हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा रह सकता है। सो जी एक बार बार और आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई आईलेट्स दोबारा करनी पड़ेगी, अगर आप डेफरमेंट मांग रहे हैं और उस डेफरमेंट से पहले आपका आईएल्स खत्म है जी, तो आपको एनरोल भी होना पड़ सकता है और आपको आईएल्स भी दोबारा करनी पड़ सकती है। सिंपल एग्जांपल है जी, 7 तारीख को आपके एनरोलमेंट है और 2 तारीख को आपकी आईएल्स खत्म है, सो क्या आपको मिल सकती है जी? नहीं, क्योंकि आपकी एनरोलमेंट से पहले आपका आईएल्स एक्सपायर है और आपको डेफरमेंट वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट या जो भी ट्रेड कोर्स में आप जा रहे हैं वो आपको डेफरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। LOA चाहिए, आप कुछ भी अपने मेडिकल हेल्थ इश्यू, हमारी आईसाइट में इरिटेशन हो रही है जी, बैक प्रॉब्लम हो रही है जी, स्टमक पेन है जी, कोई भी हेल्थ इश्यू लिखवा के आप LOA अप्लाई करवा सकते हैं, ताकि उनको यकीन हो जाए भी क्योंकि हमने आईसाइट से तो पढ़ना है और हमने अपने शरीर से वहां बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम स्टडी कहाँ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही रीजनेबल रीजन है और आई थिंक सो कि ये समझते भी हैं और बहुत इजीली वो LOA को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।